भारत और ऑस्ट्रेलिया का तीसरा टेस्ट मैच यानी कि बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच का आज दूसरा दिन मेलबर्न में खेला गया और दूसरा दिन भी भारतीय बल्लेबाजों के नाम रहा। और यहां पे चेतेश्वर पुजारा ने अपना शतक पूरा किया। चेतेश्वर पुजारा का यह इस सीरीज के दौरान दूसरा शतक था। पहला शतक उन्होंने एडिलेड में बनाया था, 126 रनों की पारी खेली थी। वहीं आज दूसरा शतक मेलबर्न में लगा और 106 रनों की पारी खेली। और पुजारा के इस शतक के साथ ही उन्होंने कई सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। जी हां, पुजारा की ये सबसे स्लो पारी में से एक है। इससे पहले 2012 में मुंबई में इंग्लैंड के खिलाफ उन्होंने 248 गेंदों में शतक लगाया था और इस बार उन्हें शतक लगाने में 280 गेंदों का सामना करना पड़ा। हालांकि आपको बता दें कि विराट कोहली के नाम सबसे स्लो शतक का रिकॉर्ड दर्ज है, जो पिछले 15 सालों में सबसे स्लो पारी है। नागपुर में विराट कोहली ने 2012 में 279 गेंदों का सामना करते हुए शतक लगाया था। वहीं पुजारा का यह विदेशी धरती पर सातवां शतक है। उन्होंने कोलंबो में दो शतक लगाने के अलावा जोहानसबर्ग, गॉल, साउथहैम्पटन, एडिलेड और मेलबर्न में एक एक शतक लगाया है। वहीं बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच की अगर बात करें तो चेतेश्वर पुजारा ये शतक लगाने वाले पांचवें बल्लेबाज बन गए हैं। सबसे पहले मेलबर्न में 1999 में सचिन ने 116 रन बनाए थे। वहीं सहवाग ने 2003 में 195 रन बनाए थे। वहीं 2014 में विराट कोहली ने 159 रनों की पारी खेली थी। साथ ही रहाणे ने 2014 में 147 रनों की पारी खेली थी। और इसके बाद पांचवे ऐसे बल्लेबाज बन गए हैं पुजारा जिन्होंने बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ शतक लगाया हो। नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स से लव कुमार की रिपोर्ट।